संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, रस्सी जल गई, बल नहीं गए, संसद से निकाल दी गई तो गुस्से का पारा चढ़ा हुआ है। ये महुआ मोइत्रा है। टीएमसी के टिकट पर सांसद बनी और अब संसद से निष्कासित कर दी गई। संसद परिसर का वीडियो है ये। विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया। महुआ मोइत्रा के साथ विपक्ष सदन से बाहर आ गया है। महुआ मोइत्रा को मौका मिला। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members, instead it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. महुआ मोइत्रा की फाइल की डिटेल देखने से पहले, महुआ मोइत्रा ने संसद में प्रवेश करने से पहले जो कहा, उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिए। मतलब एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और तेवर भी बदल गए। The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who with malafide intention masqueraded as a common citizen in front of the committee. महुआ मोइत्रा को सजा मिली। पैसे के बदले संसद में महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछे, एथिक्स कमेटी बनी, रिपोर्ट आई, लोकसभा में सरकार ने उदाहरण पेश किया, सदन में चर्चा के दौरान 2005 के कैश फॉर क्वेरी मामले का भी जिक्र उठा, जब लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 1 सदस्य को निष्कासित कर दिया गया था। लोगों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन रिपोर्ट दिया गया था और उस टाइम भी 10 लोगों को इधर अपने बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। ये रिकॉर्ड पर है। आज जहां तक मैं जानता हूं, उस माननीय सोमनाथ चटर्जी ने उसके ऊपर रूलिंग दिया गया था। ये क्या बात करें, और कलंकित वगैरह जो हुआ है, सारे देश इतना बड़ा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इतना बड़ा दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, अभी अभी हमारे हमारे पूरा डेमोक्रेसी का जो एक कलंक है, वो कलंक के बारे में वो बात करो। इस मामले की डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी सर्दी में गर्माई संसद परिसर का नजारा देखिए। सरकार की, स्पीकर की विपक्ष ने नहीं सुनी। संसद में हंगामा पसरा, मांग उठी कि महुआ मोइत्रा को संसद में जवाब देने का मौका दिया जाए। स्पीकर ने मांग खारिज कर दी, वोटिंग हुई, फैसला आया। ये सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था, इसलिए उनका सांसद बना रहना उचित नहीं है। संसद सदस्यता को लेकर स्पीकर ओम बिरला के ये शब्द महुआ मोइत्रा के अब तक के सियासी सफर का आईना है। सियासत की फिसलन भरी सीढ़ियों पर महुआ मोइत्रा बहुत तेज सफर कर रही थी, लेकिन इस सफर में उन्होंने लंदन से लेकर कोलकाता तक कुछ ऐसे काम कर डाले जिसे देखकर देश सन्न रह गया। महुआ मोइत्रा का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको दिखाएंगे, आपको आगे बताएंगे कि महुआ मोइत्रा पर किसने लगाया आरोप, महुआ मोइत्रा के खिलाफ क्या थे आरोप, महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया, और अब महुआ मोइत्रा यहां से किस ओर जाएंगे। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप बड़े संगीन हैं। इसकी जांच के लिए संसद की एथिक्स कमेटी बनी, 3 बार उसकी बैठकें हुई, लेकिन महुआ मोइत्रा ने सहयोग नहीं किया। नेशनल टेलीविजन स्क्रीन पर महुआ का यह वीडियो वायरल हुआ।
महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खोज है। ममता बनर्जी ने ही महुआ को अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से टिकट दिया और लोकसभा भेजा। महुआ मोइत्रा सियासत में अपनी इमेज ममता बनर्जी से अलग करने में कामयाब रही, लेकिन पावर के जाल ने महुआ मोइत्रा का मन ऐसा मोहा कि अब उन पर भ्रष्टाचार के संगीन दाग हैं, जिसका धुलना बहुत मुश्किल है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत का एक पत्र भी सार्वजनिक किया, जिसमें कथित रूप से हीरा नंदानी और महुआ मोइत्रा के बीच पैसे के लेन देन का ब्यौरा था। इन आरोपों के सामने आते ही महुआ मोइत्रा ने जय अनंत और निशिकांत दुबे दोनों को कानूनी नोटिस भेज दिया और आरोपों को खारिज कर दिया, इन आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। हालांकि बाद में संसद की एथिक्स कमेटी ने आरोपों की जांच की और महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने की संस्तुति की, जिस पर लोकसभा ने आज मुहर लगा दी। बहुत दिलचस्प है महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप, जिसे डिटेल में समझे बिना आप महुआ मोइत्रा के खिलाफ हुए फैसले को सरल शब्दों में नहीं समझ पाएंगे। महुआ मोइत्रा पर उद्योगपति दर्शन हीरा नंदानी से महंगे उपहार के एवज में उनकी तरफ से संसद में सवाल पूछने का आरोप है। इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि अपने संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड को भी हीरा नंदानी को बताया, ताकि वो महुआ मोइत्रा के बिना खुद ही सीधे सवाल पूछ सके। रियल एस्टेट कारोबारी निरंजन हीरा नंदानी के बेटे दर्शन हीरा नंदानी सरकारी गवाह बन गए। दर्शन हीरा नंदानी ने अपने हलफनामे में कबूल किया है कि उन्होंने अडानी ग्रुप के मामले में संसद में सवाल पूछने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया। इससे साफ है कि महुआ मोइत्रा के मामले में कुछ तो गड़बड़ है। हीरा नंदानी ने दावा किया कि महुआ ने महंगे लग्जरी आइटम, दिल्ली में उनके बंगले की मरम्मत, देश और दुनिया में अलग अलग जगहों पर यात्राओं के लिए उनसे कई बार मदद ली। मैं महुआ को 2017 से जानता हूँ, तब मैं उनसे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में मिला था। उस वक्त महुआ बंगाल में विधायक थी और समिट में उद्योगपतियों से मिली थी। उस मुलाकात के बाद मैं और महुआ लगातार संपर्क में रहे और धीरे धीरे करीबी दोस्त बन गए। महुआ बहुत महत्वाकांक्षी थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर जल्द अपना नाम बनाना चाहती थी, लेकिन इसमें समस्या थी कि पीएम मोदी की प्रतिष्ठा बड़े स्तर पर है। कोई नीति, शासन या निजी आचरण के स्तर पर उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। ऐसे में महुआ को लगा कि पीएम मोदी पर गौतम अडानी से जुड़े आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों समकालीन हैं और दोनों गुजरात से हैं। अडानी की तरक्की से कुछ बिजनेसमैन में जलन थी, इसलिए महुआ को उनसे भी मदद मिली। महुआ मोइत्रा ने इस हलफनामे को सिरे से खारिज कर दिया, यहाँ तक कह डाला कि ये आरोप व्हाइट पेपर पर हैं, ना कि आधिकारिक लेटर हेड या नोटरी वाले पत्र में लगाए गए हैं। महुआ के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, लेकिन महुआ के मामले में टर्न एंड ट्विस्ट भी बहुत आए, क्योंकि ये पूरा मामला ही शुरू जहां से हुआ था, वो शख्स कोई और नहीं, कभी महुआ मोइत्रा का बहुत करीबी रहा था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक वकील अनंत जय दोहात्रेई ने महुआ मोइत्रा की शिकायत की। इस शिकायत के आधार पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मामला उठाया। अनंत जय दोहात्रेई को लेकर महुआ मोइत्रा ने तब जो कहा, उसने कई दूसरे सवाल खड़े कर दिए। उनके मेरे साथ पहले से कुछ पुराने कड़वे संबंध रहे हैं और इसलिए ये मेरे ऊपर किसी भी तरह का पलटवार करना चाहते हैं। अगर वास्तव में वह मेरे साथ भ्रष्टाचार के गवाह थे तो उस दौरान वो मेरे साथ क्यों थे और इसे सार्वजनिक करने के लिए अब तक का इंतजार क्यों किया गया। महुआ की चोरी पकड़ी गई और सजा मिल गई, लेकिन इसमें इतना हंगामा तो इसलिए कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की नजर महुआ मोइत्रा तक ही सीमित नहीं है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के तहत जितने भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाएंगे कोर्ट की सजा से नवाजे जाएंगे। विपक्ष की यह घबराहट महुआ मोइत्रा के निष्कासन से ज्यादा खुद के बचाव की कोशिश दिखती है। हमारे कोई मेंबर जो भी हो, इतना जल्दी में, मतलब 2 घंटे की मोहलत, और ये 2 घंटे भी नहीं हुई है, 12 बजे की बाद यहाँ से निकलना, इसको डाउनलोड करना, करते करते आधा घंटा पौने घंटा निकल चुके हैं, फिर सर 406 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले और उसके अंदर कोई गलतियाँ है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं।
असल में महुआ मोइत्रा केस जिस एथिक्स कमेटी के पास पहुंचा उसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर हैं। विपक्ष ने ये माहौल बनाने की कोशिश की, महुआ मोइत्रा के साथ नाइंसाफी होने की पूरी आशंका जताई, क्योंकि जब महुआ के खिलाफ स्पीकर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन ले तो सरकार को घेरा जा सके, लोकतांत्रिक मूल्यों और विपक्ष के साथ जबरदस्ती का आरोप लगाया जा सके। महुआ मोइत्रा के संसद से निष्कासन के बाद जिस तरह से राजनीति हो रही है उसने दिल्ली के सर्द मौसम को गर्म बना दिया है। इस फैसले के खिलाफ महुआ मोइत्रा क्या कदम उठाएंगी ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया ऐसा लगा कि उन्हें दुख कम और आक्रोश ज्यादा है। आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा का ये आक्रोश देखने को भी मिलेगा। महुआ ने 2008 में राजनीति में उतरने के लिए प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी जेपी मॉर्गन के वाइस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। करीमपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वर्ष 2016 में राज्य में चुनाव हुए तो उन्हें टिकट मिला, उसके बाद पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया और 2019 में उन्हें ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। ममता की उम्मीदों पर वो पूरी तरह खरी उतरी और कृष्णानगर सीट से सांसद बनी। तेज तर्रार राजनीतिक, स्मार्ट, अमेरिका में पढ़ी लिखी, तेजी से लोकप्रिय हुआ एक चेहरा, लोकसभा में अपने भाषणों के लिए चर्चे, लेकिन अब अर्श से फर्श पर पहुंची महुआ मोइत्रा का कहना है कि वो संसद की आचार समिति के फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करेंगी। 47 साल की महुआ मोइत्रा का राजनीतिक करियर अब किस दिशा में जाएगा बता पाना मुश्किल है। ममता बनर्जी करप्शन पर लगे दाग के बाद महुआ मोइत्रा को कितना तवज्जो देंगी ये भी बता पाना मुश्किल है। फिलहाल तो इंतजार करना होगा महुआ मोइत्रा के अगले कदम का, क्योंकि लोकसभा से तो उनकी विदाई हो चुकी है, अब कोर्ट जाएंगी तो क्या होगा ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा।